तो ये कहानी में बताया कि जो उसकी मम्मी थी उन बच्चों की वो एक तूफान में मर गई और उसके जो दो बच्चे थे वो दोनों बिछड़ गए ईच फाउंड अ डिफरेंट होम तो दोनों बच्चों को अलग अलग, अलग घर मिला तो चलो आप कहानी स्टार्ट करते हैं दे विड अ बर्ड एंड टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट ठीक है तो वो कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि एक पंछी और उसके दो नए नए बच्चे पैदा हुए हुए फॉरेस्ट में रहते थे दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेरी ट्री और उनका एक नेस्ट था नेस्ट यानी कि घोसला था एक लंबे से पेड़ पे जो जिसकी आ, बहुत शेड थी मतलब बहुत छाँव आती थी एंड दे द मदर बर्ड टू अ लिटिल वंस डे एंड नाइट तो वहीं पे अपनी जो उनकी माँ थी वो उनका बच्चों का ध्यान रखती थी पूरा दिन रात एक दिन वहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉम यानी तूफान आया अ थंडर लाइटनिंग एंड रेन बहुत तेज़ बारिश थी वहाँ पे बिजली गड़क रही थी एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज़ और हवा इतनी तेज़ थी कि उससे सारे जो पेड़ थे वो काफ़ी सारे गिर रहे थे द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन अब जिसमें बर्ड्स रहते थे वो जो लंबा वाला पेड़ था वो भी नीचे गिर गया अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड तो जो आ, उसकी टहनी थी एक बहुत बड़ी वाली टहनी थी वो उसने नेस्ट पे जाके गिरी आ, हिट किया और वो जो बर्ड था जो मदर बर्ड थी वो मर गई डेथ हो गई उसकी फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स फॉर्चुनेटली मीन्स की आ, उनके उनके साइड पे होके जैसे बात करी गई है कि अच्छा हुआ कि उसके जो बच्चे थे वो बच गए द स्ट्रॉन्ग ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट तो जो इतनी तेज की जो आ, हवा थी उसने ब्ल्यू अवे देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट तो उसने उन दोनों को इतनी मतलब जंगल के दूसरी तरफ ही जाके फेंक दिया उन्हें सो वन ऑफ देम कम डाउन केम डाउन नियर अ केव वेर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिफ्ट तो एक जगह पे आ, एक जो आ, एक जो बर्ड था वो केव के पास आके गिरा जहां पे रॉबर्ट्स रहते थे द अदर लैंड आउटसाइडर ऋषिज आश्रम लिटिल डिस्टेंस तो एक तो वहां पे जहां पे चोरी चकारी होती थी वहां पे पंछी चला गया दूसरा पंछी जो था वो ऋषियों के आश्रम में वहां पे जाके वहां पे गिरा ठीक है तो अब दूसरे पे देखते हैं क्या है डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स ठीक है कि दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स अब दिन बीतते गए और जो वो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए थे वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट एक दिन एक उस कंट्री का उस देश का राजा आया वहाँ पे जंगल में हंट करने के लिए हंट क्या होता है शिकार करने के लिए ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट उसने एक डियर देखा आ, हिरन देखा और उसकी तरफ भागने लगा इट रैन डीप इन द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग तो वो एकदम घने जंगल में चला गया जिसके पीछे पीछे किंग भी आता गया सून द किंग लॉस हिज वे एंड डेंट नो वेर ही वॉज तो इतने में क्या हुआ जो राजा था वो अपना रास्ता भटक गया और उसको पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ पे है

तो इतने में इसको आवाज़ आई कि अरे जल्दी करो जल्दी करो वहां पे पेड़ के नीचे कोई है कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स चलो आओ उसकी ज्वेलरी ले लें और उसका घोड़ा भी हम ले लें सो हरी और एल्स हील स्लिप अवे तो तो वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो वरना वो भाग जाएगा द किंग वॉज अमेज ही लुकड अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंड ही वॉज सिटिंग तो किंग जो था वो अमेज हो गया उसने ऊपर देखा एक ब्राउन बर्ड था ट्री के ऊपर जो वो बैठा था ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशिंग फ्रॉम द केव उसने आ, से हल्की सी पीछे कहीं से, कही से खुशपुसाती सी आवाजें भी सुनी ही क्विकली गॉट इन टू हिज हॉर्स एंड रॉडवे एज़ फास्ट एज ही कुड तो वो फटाफट से घोड़े पे बैठा और वहाँ से भाग लिया सुन ही केम टू अरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम तो इतने में ही वो वहां पर पहुँच गया जो आश्रम की तरह था इट वॉज द ऋषिज आश्रम वो ऋषि का आश्रम था द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन हिज इट्स शेड अब वहाँ पे उसने अपने घोड़े को बांधा और उस पेड़ के नीचे वो वहां पर जाके बैठ गया सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर तो इतने में इसको बड़ी प्यार से नम्रता से वाली आवाज आती है कि वेलकम आश्रम में आपका स्वागत है सर प्लीज़ गो इन साइड एंड रेस्ट कि जाइए आप अंदर बैठिए और रेस्ट कीजिए कि की ऋषि विल बी बैक सुन कि ऋषि जो है वो आ जाएंगे जल्दी सो दस सम कोल्ड वाटर इन द पॉट कि यहाँ पे कुछ ठंडा पानी है पॉट में प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल कि अपने आप को कम्फर्टेबल कीजिए आराम से बैठिए द किंग लुक डॉप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री किंग ने ऊपर देखा और वहाँ पे एक बिग ब्राउन बर्ड था ट्री पे ही वॉज अमेज दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव वो एकदम हैरान से दिख रहे हैं कि अरे ये बर्ड तो सेम वैसे ही लग रहा है जैसा वहाँ पे केव पे देखा था तो उसने अपने आप को ये चीज़ बोली ठीक है यू आर राइट सर आंसर द बर्ड तो बर्ड ने कहा जी हाँ बिल्कुल आप सही हो ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स कि वो मेरा भाई है लेकिन उसने अपने दोस्त जो हैं वो रॉबर्स को बना लिया है रॉबर्स मीन्स जो चोरी चकारी करते हैं ही नाउ टॉक्स एज दे डू ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर कि वो वैसे ही बातें करता है जैसे वो सारे चोर चोर बातें करते हैं तो वो मेरे से भी अब अच्छे से बात नहीं करता जस्ट देन दऋषि एंटेड द आश्रम तो इतने में ही जो ऋषि हैं वो आश्रम में आ जाते हैं वेलकम सर ही सेट टू द किंग वो कहता है कि वो किंग को कहता है कि वेलकम आप आए आ, स्वागत है आपका प्लीज़ कम इन साइड एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल तो वो कहता है कि आप आइए और अपने आप को होम अपने घर की तरह ही इसे समझिए यू लुक टायर्ड आप थके हुए लगते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए देन यू कैन शेयर माई फूड तो आप इतने में उसके बाद खाना शेयर कर सकते हैं मेरे साथ द किंग टोल द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स तो किंग ने वो दो कहानी बताई अपनी दो बर्ड्स की ऋषि को एंड हाउ ईच हर बिहेव सो डिफरेंटली दा द लुक सो अलाइक कि कैसे दोनों ने अलग अलग तरीके से बिहेव किया जबकि थे वो बिल्कुल सेम लग रहे थे द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज इज सेड वो कहते तो वो कहते हैं कि फॉरेस्ट ये जो जंगल है ये पूरा सरप्राइजेज का बना हुआ है द होली मैन स्माइल एंड सेड तो होली मैन जो आश्रम के थे ऋषि जी वो मुस्कराते हैं और कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाई द कंपनी वन कीप्स तो वो कहते हैं कि हालांकि जो एक इंसान होता है वो अपनी कंपनी से जाना जाता है कि उसके दोस्त कैसे हैं वो किन से बैठता है किन के साथ बातचीत करता है सो दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स कि उस बर्ड ने हमेशा जो बातें थी वो चोरों की सुनी हुई थी ही इमिटेट दैम तो वो उनकी सेम कॉपी करता है इमिटेट मीन्स किसी की कॉपी करना नकल उतारना तो वैसे ही वो बात करता है रॉबिन पीपल की कि ऐसे हम इनको चोरी कर सकते हैं सो दिस वन हैज रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड अब ये वाला जो है ये वही रिपीट करता है जो उसने सुना है कि ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम वो आश्रम में पीपल को वेलकम करता है वो कहता है कम इन साइड एंड रेस्ट आई एल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स तो वो इस तरीके से बोलता है ठीक है तो इसका कहानी का एक कंक्लूजन क्या आता है कि जब जैसी कंपनी होती है हमारी वैसे ही हम बनते हैं अगर हम अच्छे फ्रेंड्स रखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे अगर हम बुरे फ्रेंड्स के संगत में रहेंगे तो हम ऑब्वियसली थोड़ी बहुत शरारतें ज़्यादा करेंगे ठीक है सो विद दिस वी हैव फिनिश चैप्टर कुछ भी क्वेरी रहे प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपका इंग्लिश पूरा सॉल्व है आप जाके अपने uh, इसमें चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में और या फिर आपका पी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और प्ले में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है टेलदन टेक केयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एक मिनट वीडियो को पॉज करके पहले सब्सक्राइब कर लो ठीक है और आपकी प्लेलिस्ट में जाना सारे इंग्लिश के वहाँ पे आपको एज इट इज चैप्टर्स मिल जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे टिल देन टेक केयर बाय हैव फन